बॉय एक आराम से लगाना है, कोई वो नहीं करना, और ईगो लिफ्टिंग जिम के वाह। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? कोई तो है इस जिम में जो ये प्री वर्कआउट यूज कर रहा है, क्योंकि कल उधर था आज इधर आ गया। कौन है? एक मेन बात और बतानी है आपको, ईगो लिफ्टिंग जिम के बाहर शरीर को बिल्कुल स्विंग नहीं करना है। कुछ लोग लगाते टाइम ऐसे भी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ फिटनेस सीरीज। कल भाई ने लेग डे लगाई थी, आई डोंट नो उसका वर्क रूटीन क्या है, आज वो क्या लगाएगा, तो जो भी वो लगाएगा उस पर बनाएंगे, उस पर चीज़ें वो समझाएगा, उस चीज़ को आप लोगों के सामने पेश करते रहेंगे। एंड चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और सबसे मेन बात ये है कि मोस्टली लोग यही कमेंट्स ड्रॉप कर रहे थे इस पर, हमें यही आई थी कमेंट की कि भाई ब्लॉग थोड़ा सा छोटा करो। एक्चुअली होता क्या है ना कि चीज़ें जब तक पूरी नहीं हो जाती, हम वीडियो को सोचते, 2 घंटे वो वर्कआउट करता है, 2 घंटे में से 25-30 मिनट की वीडियो आ पाती है, तो कोशिश करेंगे कि छोटी से छोटी वीडियो हम आपको दें। थैंक यू और देखते हैं क्या होता है। 1 hour later A few moments later. आज पहली बार तुम उससे पहले आ बेटी। आर यू कॉमेडी मी? तेरे तो बाम अप इतनी देर में होता है, इतनी देर में एक्सरसाइज कर ले एक बंदा। असली एक्सरसाइज यही है, बेसिक ही एडवांस होता है। मरे उत्ते लगने हम मेले बलिए बाम अप कंप्लीट। क्या लगाओगे? पुलअप्स। पुलअप्स बाम अप ये स्टार्ट कर रहे हो? 3 सेट 8 के 3 सेट 8 8 के 8 से 10 आठ से दस बेस्ट एक्सरसाइज है बैक के लिए। ये बाइक लेट्स गो। पूरा ऊपर तक मारना होता। लेट्स गो। 8 8 के 3 सेट मारोगे भाई। ये पोजीशन ये याद रखना, ये यहाँ पे पकड़ना। नहीं सता जो नहीं चले भले पोज दे भाई। होती है लेट्स, ये लेट्स आते हैं ना। अच्छा ये इसकी होती है, बाहर निकलता है ये।
है। अच्छा अच्छा इसका भी होता है। सिंगल डंबल ये हमारी मिडिल बैक को हिट करेगा। ठीक, और ये पोजीशन इसकी चेस्ट भी निकालना। हाँ अभी निकाल। सिंपल सिंपल बता रहा हूँ। ऐसा रखना। इसके कितने सेट मारने? दस सेट। तीन सेट, टेन रेट। अच्छा तीन सेट, दस एक रेट। ये सुपर सेट में आएगा। सुपर सेट। अच्छा तीन सेट मारने, दस दस की काउंट करके सेम रेट पे। डी हैंडल लेग पुल डाउन, ठीक है। जैसे डी हैंडल लेग पुल डाउन तुरंत लगाना है, ठीक है। तुरंत उसके बाद तुरंत। हाँ, इसके भी दस हो गए। सुपर साइड बोलते हैं। पूरा कंट्रोल फॉर्म में मारना है। कंट्रोल हिलना नहीं है, रोक के जाए। हाँ पूरा कंट्रोल, लोड आना चाहिए लेट्स। हम एक साइड कितने मारने? इसके भी तीन। तुरंत उसके बाद कॉम्बो मिलाना है, पूरा सुपर साइड मारना। सुपर साइड लोड देखो कहाँ कहाँ पे आ रहा है। ये लोड आ रहा है भाई, ये लोड कहाँ पे आता है? पूरा कम होता है, ये लेफ्ट से इसका इसका मिडिल बैक पे आता है। पोजिंग क्यों जरूरी होती है? मसल कनेक्शन और माइंड कनेक्शन दोनों के लिए। ये देखना फ्रेंड्स, आकार का सेट है कढ़ाई। इसको क्या बोलते हैं? चेस्ट सपोर्टेड ड्रो। चेस्ट सपोर्टेड ड्रो। ड्रो इसके कितने सेट लगने? हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं, टी बार भी बोल सकते हैं। हेलीकॉप्टर धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट। इसको यहाँ पर रखना है, ठीक है ना? चेस्ट को यहाँ पे रखना है, सपोर्ट लेना। दो सेट इसके ऐसे मारने, ठीक। दो सेट ऐसे मारने, चार सेट। कितने कितने के? वही दस बारह बैठ अपने अकॉर्डिंग।
पूरा स्ट्रेच कर रहे हैं ऐसे, ये चेस्ट का सपोर्ट लेके पूरा बैंड पूरा, कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये नहीं सही स्ट्रेच नहीं हो रहा है ना आपके पास, ये सही नहीं है, ये करना है ये, अच्छा ये इसका वो वाला पहले वाला किसका था, ये पूरा मिडिल बैक और ये लेग्स को कवर करता है और मिडिल बैक करता है पूरा, ये सर जिसका वाला गेम है 12th का है, ये उसका वही पूरा करना है लेट के, ये किसमें कर तो पाए भाई दुनिया, करने तो पड़ेगा सबके बस का थोड़ी है, वही तो बैक कंप्लीट, पूरी कंप्लीट होगी बैक कंप्लीट, पोज पोज लगेंगे ना, हाँ जी बैड मिस्टेक है फर्स्ट पार्ट, बैक कंप्लीट, मेरा पोज दे दो भाई साहब, ये कोई तो है इस जिम में जो ये फिर ये वर्कआउट यूज कर रहा है, क्योंकि कल उधर था आज इधर आ गया कौन है बैक के बाद अब बाइसेप्स लगेंगे, बाइसेप्स तीन सेट लगाएंगे, आप लोग शौक हो रहे होंगे तीन सेट कैसे, आप अपने एक्सरसाइज को खुद कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो, बाइसेप्स सबसे छोटा मसल है ये, यहाँ तक आता है पूरा, ये कवर करता है, ठीक, ये होता है हमारा शॉर्ट हेड, ये होता है लॉन्ग हेड, ये होता है ब्रैकियलिस, बाइसेप्स का छोटा हिस्सा, तीन सेट हम लोग पूरा कम्प्लीट करेंगे, पहला सेट होगा हमारा शॉर्ट हेड के लिए, शॉर्ट हेड ये जो मैंने बताया था आपके लिए शॉर्ट हेड के लिए, ठीक पहला सेट, इसे कहते हैं स्पाइडर डंबल कर्ल, स्पाइडर डंबल कर्ल, ओके फॉर्म अच्छी होनी चाहिए बिल्कुल, शरीर हिले ना जाए, ठीक टाइट रख के मारना, इस टाइप से मारना पूरा, ये पोजीशन होनी चाहिए, इसका लगाएंगे सुपर सेट, सुपर सेट, ओके शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड को एक संग कवर करेंगे, ओके एक साथ कवर करते हैं शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड को, कोहनी को एक जगह रोक के रखना, वाह
कंप्लीट कंप्लीट नहीं मतलब एक सेट रही है। तो कोई बात नहीं, तो पोस्ट दे दो तब तक। पीक ये इट्स कॉल्ड माउंटेन पीक। इट्स कॉल्ड माउंटेन पीक। ये अब लगाएंगे ब्रैकियलिस बाइसेप्स का सबसे छोटा हिस्सा। सबसे छोटा हिस्सा इसको लगाते हैं। फोर आर्म्स पे थोड़ा लोड पड़ेगा। फोर आर्म्स की एक्सरसाइज हो जाती है इससे। इसके कितने सेट मारने हैं? तीन सेट। कितने कितने काउंटिंग है? 12 12 रेप्स के। अच्छा इसको हैमर डंबल भी बोलते हैं? हाँ हैमर डंबल। शोल्डर के सीट में लेकर आना है। आगे आओ। अच्छा जी ऐसा सेप मिलेगा ना सीधे सीधे। ये शोल्डर से ऊपर नहीं तो नीचे नहीं, बिल्कुल शोल्डर के सीधे। अच्छा वेट जितना उठ रहा है उतना उठा। और बतानी आपको ईगो लिफ्टिंग जिम के बाहर। शरीर को बिल्कुल स्विंग नहीं करना है। कुछ लोग लगाते टाइम ऐसे भी करते हैं, ये नहीं करना है। बिल्कुल ऐसे रहना है, बिल्कुल मैं आपको रखना है ऐसे। पूरा लोड इसी पे हो, शरीर पे नहीं। हल्का सा पैर हल्का सा बैंड रहेगा। ये कुछ भी लगाते टाइम बाइसेप से हल्का सा बैंड रहेगा। पैर से आपको सपोर्ट लेना है हल्का सा, ज़्यादा स्विंग नहीं करना है ऐसे। ये गलत चीज़ है, ये लोड नहीं देगा आपके शरीर पे। ठीक है बाकी पूरा लगाना है। अब वेट चाहे थोड़ा सा कम हो, वेट हाँ इतना हो कि आपके 12 निकल जाए। 12 रेप्स वेट आराम से लगाना। वेट आराम से लगाना है, कोई वो नहीं करना। और ईगो लिफ्टिंग जिम के बाहर। हैमर डम्बर मारते रहे। ये पोजीशन रखनी चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल कंधे के सीधे शोल्डर के बिल्कुल पास तक। कोहनी को यहाँ पे रोकना है। और इतनी मेहनत करनी है, इतनी है। और ये फेस एक्सप्रेशन लाइक है, ओरिजिनल है, फेस एक्सप्रेशन नहीं है कर रहे सच में। बाइसेप्स कंप्लीट। हाँ हो गई। अब क्या लगाना? अब तो श्रग लगाना है। श्रग ये कॉलर। कॉलर इसके बेनिफिट ये शोल्डर के मतलब ये विड्थ को उठाता ना, ये सब चीज़ है कॉलर। ये चीज़ ये बैक वाले दिन इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये थोड़ा हिस्सा बैक का भी आता है। ये यहाँ तक आता है। ये शोल्डर वाले दिन इसलिए लगाते हैं, बैक को थोड़ा कवर करता है। बाइसेप्स के तीन सेट बहुत हैं। छः सात आठ सेट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगी। छोटा मसल है, ज़्यादा फटीग कर दोगे तो रिकवरी नहीं होगी बिल्कुल। तीन सेट में आपका पूरा बाइसेप्स कंप्लीट हो जाएगा। चार ये हम लगाएंगे। अब श्रग के लोड लेना है ऐसे, यहाँ से उठाना है आपको। ये शोल्डर वोल्डर का कोई वो नहीं लेना है, इस जगह से उठाना है आपको। ये लोड में ऐसे इस टाइप से बस अपनी यहाँ फोर आर्म से नहीं उठाना है, यहाँ से लोड लेना है। केवल शोल्डर शोल्डर की स्लीपर पकड़ना है। ठीक ना, ज़्यादा वाइड ना ज़्यादा अंदर। ठीक है ठीक है चल। इस तरीके से उठा। और इसके भी वही तीन तीन साइड लगाने हैं। तीन तीन 10-12 के चलना। Thank you.
पोज की, सिरप का पोज ये। कॉलर निकल रहा है? हाँ कॉलर निकल गया। पूरा इस्तेमाल करते हैं पुल वाले दिन, ये बैक पर रोल करता है ये। ये क्या है? डंबल श्रग। डंबल श्रग। दौड़ में आपका रेस्ट्रिक्शन रहता है कि आप हाथ पीछे नहीं ले जाते, ठीक है, इतना ही रहेगा। अगर डंबल में आपका ये पीछे लेके जाने के लिए इस पॉइंट को हिट करना है तो ये टैप्स का ही वो हिस्सा है ना, ये पीछे जाएगा तो यहाँ पे हिट होगा, ये करना है आपको। दिख रहा है, दिख रहा है। ओके लीड उतना ही लेना है, इतना लगा सको नहीं लगा सको। इसके भी वही तीन साइड। कोनी पीछे लेके जानी, ठीक है? अच्छा कोनी भी पीछे ले जानी, तभी तो पीछे हिट होगा। कोनी को भी पीछे हिट करना है। थ्री टू वन स्टार्ट। हो गई है डंबल सेट कंप्लीट। ओके अब लगाएंगे फोर आर्म्स। फोर आर्म्स। ओके ए फ्यू मोमेंट्स लेटर फोर आर्म का सेट रेडी। फोर आर्म्स क्यों लगाते हैं इसको? ये आर्म्स विंडो डराने के लिए ये लगाएंगे अपने को। अपर का ये है, ये अपर, ठीक है, इसको हिट करेंगे। हिलना नहीं है, स्विंग करना है अपने शरीर को ऐसे से, ये नहीं लगानी है, ठीक 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 ठीक। बिल्कुल खड़े होना है, बैंड हल्का सा करना है अपनी, हल्का सा बैंड, ठीक है, नी नीज को। देखो ना एंड तक लोड लेना है ना, मैंने अपने शरीर को स्विंग नहीं करा जी, इसी जगह पे लोड लेना है। माइंड ऑफ मसल, माइंड ऑफ कनेक्शन, इसी जगह पे रहना है, बिल्कुल स्विंग नहीं करना है ऐसे। आपको कूल हल्का वेट लगेगा, कोई ज़्यादा वो नहीं है, ओवरलोड लेने की जरूरत है, ठीक है। इसके भी तीन सेट लगाने? हाँ तीन सेट, पंद्रह 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 बारह, ज़्यादा लोड दे सको, बीस से ज़्यादा नहीं, बीस इससे ज़्यादा नहीं। बिल्कुल भी नहीं, और रोक के रखनी है, बॉडी को स्विंग करना ही नहीं है। ये हो गया हमारा एक सेट बाहर वाली का, इस बाहर वाला को हो गया तीन सेट पूरे। हाँ। लगेगी इनर का, इनर का
इंजर के में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? कलाई का ध्यान रखना है, यहाँ तक उठनी नहीं अभी लगा तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अच्छा इस टाइप से पूरा नीचे लेके जाना है, ठीक है? अपनी उंगलियों पर रखना। अच्छा उंगलियों पे, उंगलियों से पंजे पे बुलाना इस टाइप से। कहाँ पे लोड आएगा? कितने पे आएगा? कितनी रिप्स मारनी है? 15 काउंट करनी है, 15-15 के तीन साइड। डबल डोलना नहीं चाहिए इधर उधर, ठीक है? ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, कलाई इंजर्ड हो जाएगी वरना। एक ही जगह रख के अपने आपको। अच्छा इसके लिए वो भी बांध सकते हैं बैंड जो होता है वो, उस टाइप की वो क्या बोलते हैं उसे, रिस्ट बैंड कहते हैं। हाँ रिस्ट बैंड, वो सब रिस्ट यहाँ पे बनता है ना, रिस्ट पे अपने रिस्ट बैंड बांधने भी आराम से बढ़िया रोक के रखेगा वो, लॉक कर देता है वो। यहाँ पे होल्ड करना है थोड़ी देर के लिए। अच्छा होल्ड करके मारना है, होल्ड करके मारोगे तो इसको ज़्यादा ज़्यादा भरेगा नहीं, ये बड़ी जल्दी होगा। यहाँ पे होल्ड करना है, होल्ड करके मारना है एक सेकेंड को। तीन क्या बाहर की तरफ डंबल नहीं लेके जाना है? अच्छा इस टाइप से नहीं जाना, एक बाइसेप्स लोड आ जाएगा। अच्छा अच्छा इस टाइप से करना है, अंदर की तरफ लेकर आना है, अपने अंदर की तरफ। अच्छा अंदर हाथ की तरफ इस तरफ से लेके जाना है, ये है सही तरीका। वही चीज़ तो दिखानी है, बिगनर करते हैं गलतियाँ यार। लेना इसी जगह लोड है। अच्छा अच्छा नो पेन नो गेन। ये भी 4 आर्म से में आता, इसके सुपर सेट ठीक ग्रिप अच्छी बन जाएगी। ऐसे कर दो, एक दो दस उल्टे दस सीधे, ये सुपर सेट बोलते हैं। और इसके तीनों सुपर सेट इस पर लग रहा है, नहीं लगाना उल्टे पूरी से। कहाँ पे लोड आता? पूरे पे आ रही है, आगे पीछे ऐसे कर रहे हैं ना तो ऊपर आएगा ऐसे, और अंदर की तरफ दबा रहे हैं तो अंदर लोड आएगा। ये इसके कितने सेट लगाने? 3 सेट, 15-15, 12-12। हाँ 10 ऐसे में, 10 ऐसे में, उसके बाद जितने लग गए हैं आधे आधे कर लेना है। जॉइंट से अलग अलग घूमती है क्या ये?
इधर किधर उधर की उधर नहीं एक ही से घूमती है। अच्छा अच्छा नहीं जैसे तुम घुमा रहे हो। आज की एक्सरसाइज हो गई अब क्या लगाएंगे कार्डियो 30 से 40 मिनट टनाटन फैट लॉस पे है ना फैट लॉस करना चाहते हैं तो ज़्यादा जरूरी है। कितनी कैलोरीज बर्न कर ली आज आज हो गई है हमारी 381 स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है हमारी 381 रुक कर ये हाँ कैलोरीज बर्न करनी है 300 382 यार कल से तो ज़्यादा हो गई यार कल तो है कुछ लगा ली एक्सरसाइज वो वीडियो का वो आ गया होगा नोटिफिकेशन कल वाली आ गया ओके दैट्स इट फॉर द डे गाइस। तो ये थी हमारी वेडनेसडे वर्कआउट रूटीन जैसा कि भाई ने आपको बताया वीडियो में कि इस तरह से हमें वेडनेसडे की अपनी वर्कआउट रूटीन को फॉलो करना है। उसमें हमने कॉम्बो करा था जो जितना भी आप लोगों ने देखा वो था हमारा वेडनेसडे का कॉम्बो। अगर हम ये भाई के हिसाब से करेंगे ना तो बिल्कुल ही फ़र्क दिखाई देगा आपको। मैं खुद इस चीज़ को फॉलो करूँगा। और तो आज की ये वीडियो इधर ही फिनिश करते हैं और मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो में। कल क्या करेगा भाई आई डोंट नो और जो भी करेगा हमें तो इसके हिसाब से फॉलो करना है क्योंकि हमें इसके हिसाब से करना है इसके हिसाब से हमें डाइट वाइट का प्लान सब कुछ इसके हिसाब से करना है। तो अभी हमें इसको फॉलो करना है फिर हम जब फॉलो कर लेंगे हमारी बॉडी। तो आज का ये वीडियो इधर ही फिनिश करते हैं मिलते हैं आपको एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक स्वस्थ मस्त खुश खाते पीते रहो और ऐसी प्यार बरसाते रहो और लाइक कर देना चैनल को देना सब्सक्राइब एंड टिल देन टेक केयर वी राइट राइट सेफ।